Hello students, my name is Rohit Singhal. I am chartered accountant. Today we are going to discuss about USCMA. USCMA part 1. तो पहले अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं USCMA का, ठीक है। वैसे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके कोर्स के बारे में, बट फिर भी अपन एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा जो कोर्स है इसके अपन टोटल दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर 500 मार्क्स का पेपर है एंड पार्ट टू के अंदर भी 500 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शंस मतलब जैसे पार्ट वन के अंदर अपने टोटल 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई। ऐसे ही पार्ट टू के अंदर सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 सेक्शंस हैं। इनसे अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन सेक्शंस का मीनिंग क्या है कि इसमें अपने सब्जेक्ट्स कवर है, एक तरीके से आप ये ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पार्ट वन में सेक्शन ए में अकाउंट्स कवर है, ठीक है। पार्ट वन के अंदर सेक्शन बी के अंदर अपने स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कवर है, उसके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी बहुत कवर है, ठीक है। थोड़ा सा पोर्शन कॉस्ट अकाउंटिंग का कवर है। फिर ऐसे ही सेक्शन सी में चलेंगे अपन तो वापस से कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है कि कोर्स को डिवाइड कर रखा है। अगर अपन सब्जेक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत पोर्शन कॉस्टिंग का डाला हुआ है, थोड़ा बहुत पोर्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। इसी तरीके से प्रोफेशनल एथिक्स भी अपन को मिलेगी, अकाउंट्स भी मिलेगी। अकाउंट्स पूरी की पूरी यूएस के हिसाब से है, यूएस के अंदर आपको पता होगा कि गैप नाम से चलता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसे बोलते हैं गैप, अगर आपने कभी इसका नाम सुना हो तो इसे बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप, ठीक है। तो अपन डिस्कस करेंगे ये होता क्या है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, इंडिया में क्या चलते हैं आपको पता है क्या इसके बारे में? इंडिया में चलता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और बाकी सारी कंट्रीज में क्या चलता है, इंडिया के अलावा बाकी सारी कंट्रीज में चलता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो यूएस के अंदर क्या चलते हैं आपको ध्यान देना है, यूएस के अंदर चलते हैं यूएस गैप। तो अपने कोर्स के लिए क्या रिलेवेंट है सबसे ज़्यादा? यूएस गैप। अगर अपन कोई और कोर्स कर रहे होते बाहर का, इंडिया के बाहर का, ठीक है, यूएस के अलावा कोई कोर्स होता तो उसमें आते IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और अगर अपन इंडिया का कोई कोर्स करते हैं तो उसमें अपन को क्या देखने को मिलते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपने स्कूल के टाइम पे 11th 12th के टाइम पे पढ़े होंगे तो वो पढ़े होंगे AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट AS जो है वो टोटली डिफरेंट है किससे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से, ठीक है। तो पहले AS चलते थे इंडिया में, अब क्या आ गए? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सब होता क्या है ये अपन डिस्कस करेंगे अभी, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप केवल पेपर का पैटर्न समझ लीजिए, क्योंकि अपन पूरा का पूरा कोर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके पास वीडियोस आते रहेंगे, आपको बस केवल घर पे उनको पढ़ना है, ठीक है। ये जो वीडियोस बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए हैं, मेनली मैंने हॉक का स्टडी मटेरियल यूज़ किया है, प्लस वाइले का स्टडी मटेरियल यूज़ किया है, प्लस इंटरनेट से और रिसर्च करके काफ़ी सारा मटेरियल ऐड करके ये पूरी स्लाइड्स बनाई गई है, और इसके बेसिस पे ही वीडियो बनेगा, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो बिल्कुल ईमानदारी से देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर। ये पेपर कितने मार्क्स का है ध्यान रखना, 500 मार्क्स का। आपको पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 72% चाहिए पेपर के अंदर ये। अच्छा, 500 मार्क्स ध्यान रखना पार्ट वन है, ठीक है। और इसी तरीके से पार्ट टू भी कितने मार्क्स का है? 500 मार्क्स का। और 500 मार्क्स में से 75% जो होगा पेपर वो MCQ बेस होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और बाकी 25% जो पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव को आप ऐसे टाइप पेपर भी कहते हो। और अपन को ये भी याद रखना है कि पूरा का पूरा पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, मीन्स आपको वहाँ पे कुछ कॉपी पेन लेके नहीं लिखना, सारा काम कंप्यूटर बेस्ड होगा, क्लियर। तो थोड़ी सी आपको टाइपिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए घर पे, तो वो एडवाइजेबल है कि आप टाइपिंग करते रहिए थोड़ी थोड़ी, तो उससे आपका पेपर जल्दी टाइम पे फिनिश हो जाएगा।
टाइम जो आपको पेपर एग्जाम में मिलेगा वो मिलेगा 4 घंटे का, ठीक है, क्लियर। आप पार्ट वन एक साथ, आप चाहो तो दोनों पार्ट एक साथ दे सकते हो, पार्ट वन पार्ट टू, आप चाहो तो पार्ट वन अलग दे सकते हो, पार्ट टू अलग दे सकते हो, कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पार्ट वन 500 मार्क्स का है, इसी तरीके से पार्ट टू भी कितने मार्क्स का है, 500 मार्क्स का है, क्लियर। एग्जाम जो है उसका लेवल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको ऐसे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मीन्स आपको एक मिडल पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा आसान है ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। इंडिया की कोर्सेज में क्या है कि लेंथी कोर्स है और हार्ड भी ज़्यादा है, जैसे CA करते हो तो मिनिमम 5 ईयर्स और पासिंग परसेंटेज जो फाइनल की है वो है 10% या उससे भी कम, ठीक है, CA फाइनल की। लेकिन इन एग्जाम्स में ऐसा नहीं है, इन एग्जाम्स में पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छी रहती है, क्लियर। अब अपन आगे डिस्कशन चालू करते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कैसे भी करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चंस पूछने का तरीका बताऊंगा किस तरीके से पूछना है। ये जो हमने पूरे लेक्चर्स बनाए हैं या बनाएंगे, ठीक है, ये जो आपके सामने सीरीज आ रही है, ये सीरीज जो है ध्यान रखना अपन ने डिस्कस कराए, पार्ट वन की भी होगी और इसके बाद पार्ट टू की भी होगी, तो आपको इन सीरीज के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए, ठीक है। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था पार्ट वन में टोटल कितने सेक्शन है, 5 A B C D E, ठीक है। अपन पांचों सेक्शन में से सबसे पहले कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन ए। सेक्शन ए रिलेटेड किससे है, सिंपल भाषा में बोलो तो सेक्शन ए रिलेटेड है अकाउंट से, ठीक है। उसका नाम क्या है सेक्शन ए का, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। इसमें प्योर अकाउंट्स है, ठीक है, आपको डेबिट क्रेडिट देखने को मिलेगा काफी, आप अगर बैलेंस शीट समझेंगे, इनकम स्टेटमेंट मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसके बारे में समझेंगे अपन बेस, तो ये सारी चीज़ें अपन को पार्ट वन में, पार्ट वन के सेक्शन ए में देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम का वेटेज कितना है, 15% किस में से, 500 मार्क्स में से, तो 500 मार्क्स का 15% कितना होता है, 75 होता है, ठीक है। तो 75 मार्क्स का जो आपका है पार्ट वन का सेक्शन ए कवर करता है, क्लियर क्या। चलिए अपन सबसे पहला टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स। मीनिंग सिंपल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं भाई, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th 12th के अंदर भी बनाए होंगे, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आपका 11th 12th के अंदर कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप आराम से कोर्स कर लेंगे ये वीडियोस देखने के सारे बाद, आप अगर सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपको फिर अकाउंट्स में या किसी भी सब्जेक्ट में कॉमर्स के कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब अपन डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, आप बताइए क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो डिसीजन मेकिंग ले पाएं, ठीक है, डिसीजन कर पाएं, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन होते हैं आपने सुना होगा, जैसे इन्वेस्टर्स, सबसे मेन जो यूजर है इन्वेस्टर मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ही कंपनी के अंदर क्या होते हैं, ओनर्स। तो सबसे मेन जो पर्सन है वो है शेयर होल्डर। इसको क्या डिसीजन लेना होता है कि मैं इस कंपनी के शेयर रखूं या बेच दूं, ठीक है। इसलिए इसको क्या चाहिए, उस डिसीजन के लिए कंपनी का इनकम स्टेटमेंट चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए, कंपनी का कैश फ्लो चाहिए, और भी देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो और भी होते हैं इसके अलावा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग के लिए जैसे इन्वेस्टर के अलावा बैंक, तो बैंक लोन किसको प्रोवाइड करते हैं, बोरोवर्स को, ठीक है। तो अगर आपको लोन चाहिए तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओगे तभी लोन मिलेगा। आपने सुना भी होगा कि अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई लोन ले रहा है तो आप देखोगे सामने कि वो बैंक वाले क्या मांगते हैं, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न,
और कई बार क्या मांगते हैं, एनुअल रिपोर्ट आपकी, भाई आपकी कंपनी के अकाउंट्स दे दो कुछ 2-3 सालों के, 5 सालों के, ताकि हम उसके बेसिस पे आपको क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स कौन होते हैं, अपन ने डिस्कस किया अभी, यूजर्स हो सकते हैं इन्वेस्टर हो सकते हैं या फिर लेंडर हो सकते हैं जो लोन दे रहे हैं पर्सन, और कौन हो सकता है इसके अलावा, गवर्नमेंट होती है फाइनेंशियल। गवर्नमेंट क्या क्यों लेती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस पे करवाने के लिए मेनली। अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे टैक्सेस पे करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, उस टाइम पे अकाउंट्स भी सरकार को जमा कराने पड़ते हैं, ठीक है, अकाउंट्स भी दिखाने पड़ते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे आप इंडिया में आपने सुना होगा जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, तो इसके जब जब भी ये पर्सन पे लगता है तो फिर गवर्नमेंट क्या मांगती है, भाई लाओ तुम्हारे अकाउंट्स दिखाओ, हो सकता है कि तुम कहीं सेल्स में ना गलती कर दो, गड़बड़ कर दो। कई लोग क्या करेंगे, जीएसटी बचाने के लिए सेल्स को अपनी कम दिखाएंगे, इनकम को कम दिखाएंगे, तो गवर्नमेंट अकाउंट्स के बेसिस पे चेक करती है। और एम्प्लॉइज भी अकाउंट्स देखते हैं क्या, हाँ एम्प्लॉइज भी देखते हैं। अब कंपनी को मान लो, कंपनी एम्प्लॉइज जानना चाहते हैं कि हमें बोनस इस साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अब कंपनी कह रही है भाई हम तो कमा ही नहीं रहे, बोनस कहाँ से देंगे, तो फिर ये पता कैसे लगेगा कि कंपनी जो है वो अर्न कर रही है नहीं कर रही है, वो आपके अकाउंट से ही पता लगेगा। तो एम्प्लॉइज होते हैं जो कंपनी के, वो भी अकाउंट्स को चेक करते रहते हैं, ठीक है। कंपनी का मैनेजमेंट भी चेक करता है कि अकाउंट्स को, ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट को क्या लेने हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, ठीक है, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो उसके बेसिस, जैसे कंपनी को डिसीजन लेना है कि हमें आगे बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो किस बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट है या लॉस है फ्यूचर के अंदर। अगर कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी क्या करेगी, हमेशा आगे बिजनेस को कंटिन्यू करती रहेगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो तरह के यूजर्स होते हैं, डायरेक्ट यूजर, इनडायरेक्ट यूजर। व्हाट आर डायरेक्ट यूजर, डायरेक्ट यूजर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं आपके रिजल्ट ऑफ द कंपनी से, ठीक है, तो उन्हें अपन कहते हैं डायरेक्ट यूजर्स, ठीक है। तो डायरेक्ट यूजर्स वो जो डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं कंपनी के रिजल्ट से, तो कौन कौन हो सकता है डायरेक्ट यूजर्स में, इन्वेस्टर हो सकते हैं और पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो अभी शेयर खरीदेंगे, अभी जिन्होंने खरीदा नहीं है, जो सोच रहे हैं शेयर खरीदने का। कंपनी के एम्प्लॉयज अपन ने डिस्कस किया, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के सप्लायर, कंपनी के क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर आपको उधार दे रहे हैं तो वो क्या चेक करते हैं पहले कि भाई उधार देने लायक हो भी या नहीं हो, ठीक है। आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो क्या, नहीं करते तो करे करो। क्यों भाई सर, न्यूज़पेपर रीडिंग करना क्यों जरूरी है, आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, उसमें बिजनेस का कॉलम आता है या फिर इकोनॉमी का कॉलम आता है, उसको पढ़ो, उससे आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा, है ना। अपन बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स के साथ साथ थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग भी ज़रूरी हो जाता है, तो उससे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अभी केस चल रहा था, आपने सुना होगा कि ILFS एक कंपनी है बहुत बड़ी इंडिया की, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। इस कंपनी के अंदर क्या हुआ, इस कंपनी ने लोन लिया, कितने का लोन था इसके ऊपर, 90,000 करोड़ का। कितने का लोन था, 90,000 करोड़, मतलब 90,000 करोड़ का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विस है, एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस है, कॉरपोरेशन है ना, कंपनी बोल सकते हो आप। तो इसने 90,000 करोड़ का लोन लिया, लेकिन ये लोन नहीं चुका पा रही। क्यों नहीं चुका पा रही सर, देखो इसका काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जैसे रोड बनाना, तो ये कंपनी क्या बनाती है बताओ, ऐसे करके रोड बना रही, हाईवे बनाती है, हाईवे में ऐसा होता है ना बीच में, ठीक है, हाईवे बना रही है। और हाईवे आपको बनाने में पता है कितना टाइम लगता है, जैसे 20 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन इसने सारा लोन किस बेसिस पे ले रखा था, शॉर्ट टर्म लोन था, मतलब लोन जो था वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ले रखा था, कि 2 साल के लिए लोन ले रखा है, 3 साल के लिए। लेकिन इसने जिस लोन लेके पैसा जिसमें लगा रखा था, जिस असेट में पैसा लगा रखा था, उस असेट से रिटर्न कितने साल में आएगा, 10-20-15-20 सालों में। क्यों, क्योंकि हाईवे बनने में टाइम लगता है। तो इससे दिक्कत क्या होगी, भाई आपने लोन लिया है 2-3 सालों के लिए, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो 15-20 सालों में आएगा, तो आप लोन चुकाओगे कैसे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के पास जो असेट थी टोटल
115,000 करोड़ की थी, 115,000 करोड़ की, ठीक है। और उसने लोन कितने का ले रखा है, 90,000 करोड़ का। तो आप कहोगे सर असेट ज़्यादा है लाइबिलिटी कम है, तो कंपनी क्या है बताओ, ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं जिसकी असेट ज़्यादा है लाइबिलिटी कम है, ऐसी कंपनी को बोलते हैं अपन सॉल्वेंट कंपनी, ठीक है ना। जब किसी की असेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है सॉल्वेंट। अगर किसी की लाइबिलिटी ज़्यादा है और असेट कम है तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं फिर अपन इनसॉल्वेंट, ठीक है। बट IL/FS इज सॉल्वेंट कंपनी। लेकिन इस कंपनी के पास दिक्कत क्या आ रही है बताओ, इस कंपनी के पास जो लोन है उसको चुकाने के लिए पैसा नहीं है अभी। तो इस कंपनी के साथ दिक्कत क्या है, इस कंपनी के पास लिक्विडिटी की कमी है। किसकी कमी है, लिक्विडिटी की। और लिक्विडिटी कमी हुई क्यों, बताया था मैंने आपको कि इसने शॉर्ट टर्म लोन लेके लॉन्ग टर्म असेट में फाइनेंस कर रखा था, लॉन्ग टर्म असेट में इन्वेस्ट कर रखा था, तो ये दिक्कत थी। अब ये सारी दिक्कत कब पता लगेगी, जब आप कंपनी के ढंग से अकाउंट्स को स्टडी करोगे, ठीक है, कि भाई आपने लोन शॉर्ट टर्म ले रखा है और असेट तो आपका लॉन्ग टर्म है, क्लियर। तो ऐसी क्रिटिकल जानकारी जो है, ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो केवल कब पता लगती है, जब अपन क्या करते हैं, जब अपन कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कुल मिलाकर कि ऐसी ये कंपनी जो है डिफॉल्ट के कगार पे आ गई थी। आपने सुना होगा केस पूरा का पूरा जो चल रहा है अभी, आजकल भी इसके बारे में आता रहता है, ठीक है। लेकिन सरकार ने इसको बचा लिया डूबने से, ठीक है, अदरवाइज ये डूब जाती, क्लियर। क्या ऐसा ही वरना केस हो चुका था कहाँ पे, US के अंदर 2008 में, जिसे बोलते हैं लेमैन ब्रदर्स क्राइसिस। क्या था लेमैन ब्रदर्स एक बैंक था, कहाँ पे बैंक था, US के अंदर, ठीक है। बट ये बैंक ने, अब इसका पूरा रीजन अपन आप अभी समझ नहीं पाओगे, मैं इसको अगर पूरा बताऊंगा भी कि इसके साथ क्या हुआ था, आप इतना समझ लो कि इसने ये लोन ले लिया, इसने बहुत सारा, और ये लोन को चुका नहीं पाया लेमैन ब्रदर्स, ठीक है, खुद एक बैंक था, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप ये भी कह सकते हो कि इस बैंक के बहुत सारे NPA हो गए, NPA मतलब बैड डेब्ट हो गए, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने इस बैंक से, इसने खुद ने भी लोन ले रखा था, ठीक है, और जिन लोगों और इसकी जो इस लेमैन ब्रदर्स की जो असेट थी, बैंकों की असेट क्या होती है मेन, जो बैंक लोन देते हैं, तो इस लेमैन ब्रदर्स ने जो लोन दे रखा था बहुत सारा, वो सारा का सारा डूब गया, ठीक है। वो क्यों डूबा वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो इससे US के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आ गए, और उस क्राइसिस को बोलते हैं क्या, सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है। ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको आज नहीं तो कल इनको समझना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें केस स्टडीज में भी पूछी जाती है, मैंने आपको बताया था ना 75% मार्क्स जो है MCQ के हैं और 25% मार्क्स किसके हैं, ऐसे टाइप के हैं। तो केस स्टडी भी एग्जाम में ऐसे के अंदर पूछ लेता है, तो अपन को आना चाहिए। तो सब प्राइम क्राइसिस हो गया, किस ईयर में बताओ, US के अंदर 2008 में। उससे फर्क क्या पड़ा, उससे ये फर्क पड़ा कि US की इकोनॉमी जो थी वो कोलैप्स कर गई। क्या हो गया, US की इकोनॉमी जो है वो गिर गई, कम हो गई बहुत, है ना, वैल्यू जो है US की इकोनॉमी की वो गिर गई। US की इकोनॉमी कितनी है वैसे, अराउंड $18 trillion, ठीक है, 1 trillion इज इक्वल टू 1 lakh crore। तो US की इकोनॉमी जो है GDP जिसे अपन बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो है $18 trillion का, 1 trillion इज इक्वल टू 1 lakh crore, तो 18 trillion इज इक्वल टू 18 lakh crore। एंड अगर अपन इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी है $2.5 trillion और ये US की है। तो आप कंपेयर करो US और इंडिया की इकोनॉमी को, ठीक है, कंपेरेबल नहीं है। क्यों कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, 132 करोड़, और US की पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड 32 करोड़, मतलब 100 करोड़ का डिफरेंस है, ठीक है केवल। तो वो सब चीज़ें छोड़ो, आप तो केवल इतना सा याद रखो कि सब प्राइम क्राइसिस हुआ 2008 के अंदर और US की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई। और इससे इफेक्ट आपको पता है, जब US की इकोनॉमी है तो US जो है पूरे वर्ल्ड से इंटरलिंक है सारी कंट्रीज से। तो जब US की इकोनॉमी गिरी
तो बाकी सारी कंट्रीज पे भी इफेक्ट आया, मतलब ग्लोबल इफेक्ट आया इस चीज का, और बहुत सारे कंट्रीज तो क्या हो गए, कंट्रीज इंसॉल्वेंट हो गए, और ऐसे कंट्रीज को क्या बोलते हैं, पिक्स। सुना है कभी आपने इसके बारे में, पोर्टुगल, पोर्टुगल यूरोपियन कंट्री है, इटली, ग्रीस, स्पेन, दीज ऑल आर यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। फिर इनका नाम दे दिया गया क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी हद तक यूएस पे डिपेंड थी और वो उससे काफ़ी इफेक्टेड हुई है ना, यूएस के कोलैप्स होने से, इकोनॉमिक कोलैप्स होने से, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया स्पेशली किस पे, ग्रीस पे, ठीक है। तो ये सब आप कहानी याद रखना, ठीक है, काम आएगी। तो यूएस के अंदर सब प्राइम क्राइसिस कब आए थे, 2008 में, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ लेमन ब्रदर्स, और सेम टू सेम क्राइसिस इंडिया में भी आ सकते थे, बट इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको स्मार्टली डील किया, ILFS जो मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डायरेक्ट यूजर्स कौन होते हैं, जो डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं बाय द रिजल्ट ऑफ कंपनी। हु आर इनडायरेक्ट यूजर्स, इनडायरेक्ट यूजर्स वो जो रिप्रेजेंट करते हैं इनडायरेक्ट यूजर्स को, जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन डायरेक्ट यूजर्स को, उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट यूजर्स। कौन कौन हो सकता है इनडायरेक्ट यूजर्स, जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट, एडवाइजर्स, स्टॉक मार्केट और रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी लाइक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। यूएस के अंदर जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसको रेगुलेट कौन करता है, SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। और इंडिया में कौन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, इंडिया में करता है SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और यूएस में कौन करता है, SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। क्लियर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे अपन ने पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वैसे इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं, जो इंटरनल यूजर्स जो फर्म के अंदर अंदर डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, जिनका रिलेशन हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टली कंपनी से या नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्सटर्नल यूजर्स मेक डिसीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फर्म अबाउट वेदर और नॉट टू बिगेन अ रिलेशनशिप, कंटिन्यू अ रिलेशनशिप और चेंज देयर रिलेशनशिप विद द फर्म, ठीक है। तो जैसे कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर है, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या है, मतलब ये शेयर आपकी कंपनी के खरीद सकता है और नहीं खरीदेगा, हो सकता है खरीद भी ले, हो सकता है नहीं भी खरीदे। तो ऐसे यूजर को अपन, और ये आपके अकाउंट्स देख रहे हैं, तो ऐसे यूजर को क्या बोलेंगे आप, एक्सटर्नल यूजर बोलेंगे, ठीक है। तो या तो वो सोच रहा है वेदर और नॉट टू बिगेन अ रिलेशनशिप, कंटिन्यू अ रिलेशनशिप और चेंज देयर रिलेशनशिप विद द फर्म, तो ये आप ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई कंपनी होती है ना, एक चीज ध्यान रखो आप, वो हमेशा क्या बनाती है, एनुअल रिपोर्ट बनाती है। देखिए आपने किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, आज आप ऐसा करना, क्लास अपना पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जरूर देखना, ठीक है। कहाँ मिलेगी आपको, किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, आप चाहो तो रिलायंस की देख लो, आप चाहो तो वॉलमार्ट की देख लो, वॉलमार्ट इज यूएस कंपनी, रिलायंस इज ऑब्वियसली इंडिया कंपनी, इंडियन कंपनी, ठीक है। उसमें एनुअल रिपोर्ट क्या होती है कि उसमें कंपनी के अकाउंट्स होते हैं सारे के सारे, जैसे आपका बैलेंस शीट मिल जाएगा आपको उसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम स्टेटमेंट मिल जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम भी मिलेगा, ये क्या होता है ये देखेंगे अपन, एक ऑडिट रिपोर्ट भी मिल जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन को मिलेगी। तो यूजर्स कौन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो अपन ने देख लिया। तो अपन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या मानते हैं, एक रीजनेबल नॉलेज मानते हैं। कंपनी जब भी अकाउंट्स बना के अपने वेबसाइट पर, आप देखना कंपनी के हर वेबसाइट, कंपनी के अकाउंट्स वेबसाइट पर डिलीवर होते हैं, ठीक है, किस किसके अंदर होते हैं ध्यान रखना, एनुअल रिपोर्ट के अंदर। तो जब भी कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है तो एक बेसिक अजम्पशन लेती है कि जो अकाउंट्स पढ़ रहा है उसको रीजनेबल नॉलेज है अकाउंट्स की, ठीक है। अब ये बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। रियल में हो सकता है कि जो पर्सन अकाउंट्स को कंपनी के स्टडी कर रहा है उसको कुछ आता हो अकाउंट्स में, और हो सकता है उसको कुछ ना भी आता हो, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर आप मान लो जैसे किसी कंपनी के अकाउंट्स पढ़ रहे हो और आप साइंस के पर्सन हो, तो कंपनी हमेशा क्या मान के चलेगी कि आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है। अब हो या नहीं हो बात अलग है, रीजनेबल नॉलेज है ना, ठीक है, एक्सपर्ट नॉलेज नहीं।
अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। पांच टाइप के होते हैं भाई, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कॉम्प्रहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब आपने ये तीनों के तो स्टार्टिंग के नाम सुन रखे हैं, ठीक है, लेकिन ये दो जो हैं आपके लिए नहीं हैं। तो टोटल कितने हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टोटल पाँच हो गए। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, आप तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना। सबसे पहले अपन किसको डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, तो सबसे पहले अपन किसको डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट को, ठीक है। देखो बैलेंस शीट को डिस्कस करने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या IFRS और US GAAP में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था क्लास की स्टार्टिंग के पहले कि IFRS की फुल फॉर्म क्या होती है और US GAAP की फुल फॉर्म क्या होती है। IFRS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और US GAAP की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। US तो यूनाइटेड स्टेट्स है ही, ठीक है। अब आपको लगेगा भाई पहली बात तो स्टैंडर्ड क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है स्टैंडर्ड क्या होता है। भाई स्टैंडर्ड कॉमन है ना, देखो S और US GAAP भी क्या है, अपने आप में GAAP भी स्टैंडर्ड है ना। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर ऑल्सो स्टैंडर्ड्स। देखो स्टैंडर्ड्स मतलब ये होता है कि ना चीजें जो है वो सेम रहे, ठीक है, कंपेरेबल हो, कंपेयर कर पाओ, उसके लिए क्या बनाए जा रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर चीजें कंपेरेबल नहीं होगी तो कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक इन्वेस्टर, वो ये नहीं कह सकता कि रिलायंस का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है टाटा से। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि रिलायंस ने अकाउंट्स अलग तरीके से बना रखे हैं और टाटा ने अकाउंट्स अलग तरीके से बना रखे हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो वॉलमार्ट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपन अमेजोन से। कब कर पाएंगे अपन कंपेयर, जब इन दोनों के अकाउंट्स क्या हो, दोनों के अकाउंट्स का स्टैंडर्ड सेम हो, ठीक है, इन्होंने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज करे हैं वो सेम हो, तभी अपन क्या करेंगे इनके अकाउंट्स को कंपेरेबल बना पाएंगे। इसलिए क्या बनाए जाते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन के अंदर सुना होगा कि स्टॉक के वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मान लेते हैं कि आपने ये नाम सुने हुए हैं, ठीक है, बीकॉम में आते हैं, बीबीए में भी आते हैं। तो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्टॉक वैल्यू करने का एक मेथड होता है, कि माना जाता है कि जो स्टॉक पहले आया है वो सबसे पहले गया भी होगा। और लीफो क्या बोलता है, जो स्टॉक सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले गया होगा। इसी तरीके से एवरेज होता है, एवरेज भी सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज होता है। अब मान लो एक कंपनी है वो स्टॉक वैल्यू कर रही है लीफो मेथड के हिसाब से, बट दूसरी कंपनी जो है वो स्टॉक वैल्यू कर रही है फीफो मेथड के हिसाब से, तो बताओ आप इन दोनों के कंपनी के अकाउंट्स को कंपेयर कर पाओगे क्या। इसने बोला कंपनी ने, फीफो वाली ने, कि मेरा स्टॉक 5 लाख का है, हैं, और लीफो वाली ने बोला मेरा स्टॉक 6 लाख का है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लीफो वाली कंपनी का स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, क्यों, क्योंकि दोनों ने स्टैंडर्ड अलग लिया है, स्टैंडर्ड अलग लिया है स्टॉक को वैल्यू करने का, तो ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप फिफ्थ क्लास के बच्चे को 10th क्लास के बच्चे के साथ कंपेयर करके बोल सकते हो कि 10th क्लास का बच्चा इंटेलिजेंट ज्यादा है, नहीं बोल सकते ना। कंपैरिजन करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, बेसिक रूल ऑफ मैथ्स है ना। तो बेस ही अगर सेम नहीं है तो फिर कैसे कंपैरिजन करोगे, क्लियर क्या। तो स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, चीजों का बेस सेम कर देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, चीजों का बेस सेम कर देते हैं, क्लियर। तो अब IFRS समझते हैं, सबसे पहले IFRS क्या होता है, अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले क्या हुआ करते थे, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी भी होते हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड के कई कंट्रीज अडॉप्ट करके बैठे हुए थे ना, बहुत सारे कंट्रीज, और जो कंट्रीज IAS अडॉप्ट नहीं करते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट नहीं करते थे, वो कंट्रीज
अपने खुद के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करते थे खुद की कंट्री के हिसाब से। जैसे इंडिया क्या अडॉप्ट करता है, इंडिया AS फॉलो करता था पहले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो इंडिया के खुद के बनाए हुए ICAI जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो इसमें पूरी हेल्प करता है AS इशू करने के अंदर, ठीक है। तो इंडिया IAS को फॉलो नहीं करता था। इसी तरीके से US हमेशा क्या फॉलो करता है, US GAAP। तो सारी कंट्रीज के अलग अलग स्टैंडर्ड थे, श्रीलंका के अपने अलग स्टैंडर्ड है ना, ऐसे इस तरीके से कनाडा के अपने अलग स्टैंडर्ड, फ्रांस के अलग, जर्मनी के अलग। अब इससे हुआ क्या, पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, ठीक है ना, लेकिन अब क्या हुआ, वर्ल्ड किसकी तरफ जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ। तो इससे इफेक्ट क्या है, जब वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है तो एक कंट्री का इन्वेस्टर जो है वो दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करता है, समझ गए। US का इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करता है, इंडिया की कंपनी में। इंडिया का इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करता है, US की कंपनी में या अदर कंट्रीज में, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप पहले केवल एक कंट्री के अंदर आपस में कंपनीज का कंपैरिजन करते थे, इंडिया के अंदर कंपेयर करते थे रिलायंस और टाटा। अब आप क्या कर रहे हो, आप US की कंपनी को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो इंडिया की कंपनी से। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि US क्या कर रहा है, अलग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, इंडिया अलग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। सो देयर इज नीड ऑफ हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन मतलब भाई चीजों को सेम करने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो चीजों को सेम कैसे करा जाएगा, तो चीजों को सेम करने के लिए हमने क्या बोला कि यार भाई ये IAS है ना, इसकी जगह क्या बनाए जाएंगे, IFRS, ध्यान से सुनना है ना, इसकी जगह क्या बनाए जाएंगे, IFRS बनाए जाएंगे। तो सर कितने IFRS बन गए हैं अभी तक, अभी तक टोटल 17 IFRS इशू हो चुके हैं, 17, और IFRS इशू बाकी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 17 ही आएंगे, रेगुलर बेसिस पे IFRS इशू हो रहे हैं। 15 था जैसे रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, 16 लीजेस का, 17 इंश्योरेंस का, ठीक है। इतने IFRS इशू ऑलरेडी हो चुके हैं 17 तक, 1 से लेकर 17 तक। और सर जिस चीज पर IFRS, और कई चीजों पर IFRS आज तक इशू नहीं हुआ, तो जिस चीज पर IFRS इशू नहीं हुआ उस पर क्या अप्लाई होता है, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पकड़ने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम IAS को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या बना रहे हैं, IFRS। और जिस चीज पे अभी तक IFRS नहीं बना है उसकी जगह जो IAS चल रहा था पुराना वो अडॉप्ट करा जा रहा है, ठीक है। और जिस चीज पे IFRS बनता जा रहा है उस चीज का IAS अपने आप ही डिलीट होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम IFRS 16 जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। IFRS 16 बताया था ना अभी, लीज का होता है, लीज है ना, लीज क्या होता है, किराए पे लेना कोई चीज को, वो बाद में समझेंगे क्या होता है। तो उसकी जगह पहले क्या चलता था, IAS, ठीक है। बट जैसे ही IFRS 16 आया तो अपने आप IAS लीज का जो है वो हट गया, रिमूव हो गया, क्लियर क्या। तो वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज अब क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, सिमिलर होने के लिए IFRS, ठीक है। कई कंट्री ऐसे हैं जो बोल रहे हैं IFRS हम एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर या सोसाइटी के अंदर या कल्चर के अंदर चेंज है, ठीक है, तो हम IFRS को एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर सकते। जैसे उसमें से एक कंट्री है इंडिया, तो इंडिया ने बोला हम IFRS एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया ने क्या बोला, लेकिन हम AS भी फॉलो नहीं करेंगे, AS हम पहले फॉलो कर रहे थे। तो इंडिया ने एक बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या है, ना तो हम AS फॉलो करेंगे ना एज इट इज IFRS फॉलो करेंगे, हम इंड AS बनाएंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे, जो IFRS है ना उसके अंदर इंडिया के इकोनॉमी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से चेंजेस करेंगे और उसकी जगह क्या बना लेंगे, इंड AS। तो आज इंडिया में क्या अप्लाई हो रहे हैं, इंड AS, जो बने कहां से हैं, IFRS से बने हैं। आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करो और वापस से सुनो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो ये डिस्कशन आपके काम आएगा क्योंकि हर कंपनी में IFRS से रिलेटेड थोड़े थोड़े सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, क्लियर क्या।
वॉट अबाउट यूएसए सर, यूएसए क्या कर रहा है, क्या यूएसए IFRS फॉलो कर रहा है? यूएसए देखो, यूएसए बोल रहा है नहीं भाई, हम किंग हैं तो हम क्या करेंगे, खुद के स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे जो पहले फॉलो कर रहे थे, यूएस गैप। बट यूएसए को भी धीरे धीरे बात समझ में आ रही है, तो यूएसए क्या कर रहा है, अपने स्टैंडर्ड को किसकी तरह बनाते जा रहा है आजकल, IFRS की तरह, समझ में आ रहा है? तो वो यूएस गैप जो है ना, उसको भी चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं IFRS पूरी तरीके से अडॉप्ट कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन यूएस गैप को वो काफी हद तक उसका जो टिल्ट है वो जा चुका है किसकी तरफ, IFRS की तरफ। तो अब यूएस गैप में चेंज होना चालू हो चुके हैं, मतलब जो बर्फ है वो अब पिघल रही है। क्लियर क्या सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड यूएस गैप? देखो ये आपको अभी इस टाइम पे समझने का इतना जरूरत नहीं है, बट बुक में कवर था इस पॉइंट पे, तो मैंने थोड़ा बहुत इसको लेने की कोशिश करी है यहाँ पे, बट आपको अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी सुन लो थोड़ा बहुत। IFRS जो है वो इशू कौन करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। बट यूएस गैप कौन इशू करता है? FASB, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पहला डिफरेंस तो ये याद रखना है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, टिल नाउ 17 IFRS हैज बीन इशूड, ये मैंने बात करी दी थी आपसे पहले, ठीक है, और जिसकी जगह IFRS इशू नहीं हुआ उसकी जगह क्या चल रहा है अभी? IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है ये। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है, IFRS जो है वो प्रिंसिपल बेस है। IFRS कौन है? प्रिंसिपल बेस, मतलब एक रूल नहीं बताते, प्रिंसिपल्स बताते हैं, बोले ये ऑल्टरनेटिव देते हैं थोड़े से, लेकिन यूएस गैप इज वेरी रिजिड। तो यूएस गैप कैसे हैं? रूल बेस। यूएस गैप क्या बताते हैं? रूल्स बताते हैं, ठीक है, यही फॉलो करना है। बट IFRS क्या बताते हैं? प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो यूएस गैप जो है वो क्या देते हैं? ऑल्टरनेटिव नहीं देते हैं, लेकिन IFRS जो है वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देते हैं चीजों के ऊपर। ये बातें आपको ज्यादा अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूएस गैप जो है वो केवल फॉलो होता है यूएस में, ठीक है, मेनली, और IFRS जो है वो कहाँ फॉलो होता है? ग्लोबली। क्लियर, IFRS कहाँ फॉलो हो रहा है? ग्लोबली। अच्छा, ये जो PPT है आपको इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसके नोट्स बनाओ लिखो बैठ के, ठीक है, आपको PPTs पूरी मिल जाएगी, आप आराम से डाउनलोड करो उसको, पढ़ो डेली की डेली, आप चाहो तो अपने आप उसको एडिट करके जो भी आपको बुक में से लगता है इम्पोर्टेंट वो आप लिख सकते हो, ठीक है, आप आराम से वीडियो को देखो 2 बार 3 बार, ठीक है, जितनी बार आप देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। पहली बार में चीज़ें आसानी से एकदम से समझ में नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें नई हैं आपके लिए, न्यू हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है अपने IFRS के अंदर और यूएस गैप के अंदर कोई डिफरेंस? जैसे यूएस गैप जो है वो लीफो मेथड अलाउ करता है। कौन अलाउ करता है लीफो मेथड? यूएस गैप। बट IFRS जो है वो IFRS जो है वो लीफो मेथड अलाउ नहीं करता। IFRS बोलता है या तो फीफो मेथड फॉलो करो, या फिर क्या फॉलो कर सकते हो? वेटेड एवरेज। बट यूएस गैप क्या बोल रहा है कि आप लीफो मेथड भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर क्या? आई होप कि आपको यहां तक बातें समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज बैलेंस शीट। अब ध्यान सुनो, आप बताओ आपको क्या लगता है बैलेंस शीट क्या होती है? पहले बात तो नाम पे जाओ, नाम क्या है? बैलेंसेस की शीट, मींस बैलेंस शीट मतलब बैलेंसेस की शीट। जैसे आप स्कूल्स में ऐसे बैलेंस शीट बनाते रहे हैं, इंडिया में अपन पढ़ते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है, देश के बारे में अपन को पता है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइबिलिटी इधर असेट इधर, ठीक है। यूएस में क्या तरीका है? असेट इधर लाइबिलिटी इधर, समझ में आया? पहले तो डिफरेंस ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, असेट और लाइबिलिटी क्या होती है वो अपन और डिस्कस करेंगे बाद में, वैसे आप थोड़ा बहुत जानते हो। बैलेंस शीट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाई जाती है। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंसेस की शीट, ठीक है। बैलेंसेस देखो, आपको पता है 3 तरह के अकाउंट होते हैं, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना। कौन कौन से? पर्सनल, रियल और
नॉमिनल। देखो आप में से हो सकता है कि आपका अगर अकाउंट्स का थोड़ा बहुत बेस क्लियर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी 11th क्लास की जो बेसिक है वो थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, किस में से पढ़ोगे? दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताया तुम। या तो आप 11th क्लास का बेसिक 11th क्लास की बुक में से पढ़ लो जो आपके स्कूल में चलती थी। सर हमारे स्कूल में तो डीके गोल चलती थी, तो डीके गोल से एक बार रिवाइज कर लो। नहीं सर हमारे स्कूल में तो टीएस ग्रेवाल चलती थी, तो टीएस ग्रेवाल से रिवाइज कर लो। सर लेकिन बुक में से पढ़ने में तो बहुत जोर आएगा। कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे जाओ। ठीक है, यूट्यूब पे आपके सर यानी मैंने वीडियो बना रखे हैं अकाउंट्स के। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। फाउंडेशन लर्निंग नाम से एक चैनल है। किस नाम से चैनल है? फाउंडेशन लर्निंग नाम से चैनल है। उसमें आप CA फाउंडेशन के अकाउंट्स डाल देना। ठीक है, तो उसमें मैंने 11th और 12th के जो बेसिक्स है ना वो कवर कर रखे हैं पूरे के पूरे। 10 वीडियो हैं आधे आधे घंटे के, जहाँ से आप 5 घंटे में आपका पूरा कवर हो जाएगा बेसिक। ठीक है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आपका टाइम बच जाएगा बुक पढ़ने का पूरा, और आपको चीज़ें और आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं। आपको ध्यान होगा कि पर्सनल के अंदर कौन आते हैं? पर्सन, राम, श्याम, मोहन, कोई भी। रियल के अंदर क्या आती है? एसेट। नॉमिनल के अंदर आती है इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, पर्सनल और रियल के साथ खास बात क्या है? ये बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं। नॉमिनल कहाँ चले जाते हैं? ट्रेडिंग या पीएनएल, या फिर आप अब अपने USCMM में क्या बोलेंगे इसको? इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग पीएनएल की जगह क्या बोलेंगे इसको? इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे। तो पर्सनल और रियल जो अकाउंट हैं वो कहाँ जाते हैं बताओ? बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो इन अकाउंट को क्या बोलते हैं अपन? परमानेंट अकाउंट। भाई बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंसेस की शीट। और बैलेंसेस केवल कौन से अकाउंट के बचते हैं? पर्सनल या रियल। ध्यान रखना कभी भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं बचता। नॉमिनल अकाउंट हर साल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कहां पे जाके? इनकम स्टेटमेंट में। और उसका नेट रिजल्ट जो निकलता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। ये बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट कर देता हूं। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं कहां पे जाके? इनकम स्टेटमेंट में। वो कभी भी अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। बट बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस बच गया इसलिए वो हमेशा क्या होते हैं? कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसलिए कभी भी पर्सनल और रियल अकाउंट हमेशा इसलिए कभी भी पर्सनल और रियल अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाते। जाएंगे तो कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। ये बात समझ में आई? इसलिए पर्सनल और रियल अकाउंट को अपन क्या बोलते हैं? परमानेंट अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली टेम्परेरी अकाउंट। टेम्परेरी अकाउंट, समझ में आई बात? तो बैलेंस शीट के अंदर कौन से अकाउंट आते हैं? परमानेंट अकाउंट, वो भी रियल और पर्सनल अकाउंट जो अपन ने डिस्कस किया। रियल अकाउंट मींस एसेट और पर्सनल अकाउंट मींस जनरली लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर क्या? तो रियल अकाउंट में क्या आता है? एसेट आती है, और पर्सनल अकाउंट के अंदर जनरली लायबिलिटी आती है, बट कुछ एसेट भी आ सकती है, जैसे डेटर है। तो डेटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, मतलब किसी का नाम ही तो होगा ना डेटर, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, तो है तो पर्सनल अकाउंट ही, लेकिन है तो असेट। क्लियर? तो बैलेंस शीट जो होती है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपसे पूछूं बैलेंस शीट कितने टाइम की बनाई जाती है, आप फटाफट से बोल दोगे ज्यादातर जने 1 ईयर की बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बैलेंस शीट कभी भी 1 साल की नहीं बनाते, बैलेंस शीट 1 दिन की बनती है, या आप ये कह सकते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बनती है। आपको याद है आप स्कूल में कॉलेजेस में बैलेंस शीट के आगे क्या लिखते थे? एज एट, बैलेंस शीट एज ऑन या फिर एज एट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बन रही है। लेकिन आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, तो उसमें क्या लिखते हो? फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये पूरे साल का बन रहा है। आ रहा समझ में? क्लियर? तो बैलेंस शीट हमेशा एक टाइम की
पोजीशन बताती है। जैसे आपके पास बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग आज है तो वो बता रही है बिल्डिंग 10 लाख की है आज, ठीक है। लेकिन परचेज, परचेज कौन सा काउंट होता है बताओ, पर्सनल रियल नॉमिनल। परचेज एक खर्चा है, एक्सपेंस है, तो परचेज कौन सा काउंट है, नॉमिनल। तो परचेज अपन पूरे साल की टोटल को अपन पीएनएल में दिखाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन जो बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, ये कौन से अकाउंट है, बिल्डिंग, लैंड और फर्नीचर रियल अकाउंट, ये कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। तो इसकी पोजीशन लास्ट में शो होती है, ठीक है। 31 दिसंबर आप जैसे बैलेंस शीट बना रहे हो, तो 31 दिसंबर की बिल्डिंग की वैल्यू शो होती है बैलेंस शीट के अंदर, क्लियर। ऑपरेटिंग साइकिल, ये आपको पता है, करंट और नॉन करंट असेट, चलो अपन डिस्कस करेंगे आगे, अभी रुक जाते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी डिस्कस करना है, इंटेंजिबल असेट्स वो भी डिस्कस करेंगे, और करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, और इक्विटी भी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब क्या है, बैलेंस शीट के अंदर ये सब चीजें आती है, आती है नहीं आती है? आप बताओ भाई, ये असेट साइड है, बताया अभी मैंने आपको यूएस में कैसे लिखते हैं, ये लायबिलिटी है। असेट में सबसे पहले कौन सी असेट लिखोगे, नॉन करंट असेट, फिर कौन सी असेट लिखोगे, करंट असेट। नॉन करंट असेट में क्या लिखोगे, टेंजिबल लिखेंगे सर। टेंजिबल में पहले क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो फिक्स असेट है ना उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब क्या होती है, फिक्स असेट, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो टेंजिबल असेट हो गया, वैसे क्या हो गया, इनटेंजिबल असेट हो गया। फिर करंट असेट हो गया, करंट असेट क्या होता है, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर्स वगैरह, ये सब चीजें। लायबिलिटी को अपन पूरा नाम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी नहीं लिखते केवल, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी आती है, व्हाट इज इक्विटी, इक्विटी मींस ओनर्स फंड, मालिकों का पैसा, ठीक है। बैलेंस शीट दिखाते हो ना, ऐसे बनाते हो आप स्कूल्स वगैरह में, ध्यान होगा आपको थोड़ा बहुत। फिर क्या चीज आती है, लायबिलिटीज, फिर लायबिलिटीज के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी, यही बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है नॉर्मली। तो अपन इस फॉर्मेट के अंदर हर चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, बिल्कुल, है ना बच्चों। अपन हर चीज को बेस से समझेंगे, बिल्कुल बेस से, जीरो से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, असेट और लायबिलिटी, असेट और लायबिलिटी क्या होती है, देखो ये बैलेंस शीट मैच कर रही है ना, तराजू तोलते हैं तो आपकी भी बैलेंस शीट धीरे धीरे मैच कर लेंगे। वैसे करती होगी आपकी बैलेंस शीट या नहीं करती एग्जाम्स में मैच, चलो स्कूल में हमारी भी नहीं करती थी, फिर बाद में करने लग गई। असेट एंड लायबिलिटी, व्हाट इज असेट, असेट क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये बताओ व्हाट इज असेट। असेट आर फ्यूचर असेट्स प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। असेट्स क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, और आपके वो क्या होने चाहिए, कंट्रोल में होने चाहिए, ठीक है भाई। अगर मेरे पास वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, असेट, तो वो क्या मेरी असेट है क्या, नहीं है। और अगर वो कोई मेरे को फ्यूचर में फायदा नहीं दे रही, तो वो असेट कहलाने लायक है क्या, नहीं, ठीक है। अब आप इसमें क्या ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, आप बिल्कुल गौर करो, मुझे क्या मिलेगा असेट से, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, क्लियर सर, हाँ बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और वो मेरे क्या है, कंट्रोल में है आज, ठीक है, आज वो क्या है, मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। और असेट आई कैसे है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। जैसे मेरे पास कैश आया, कैश मेरी असेट है, तो क्यों आया, क्योंकि मैंने डेटर से, डेटर को उधार दिया था कभी ना कभी, और आज उससे कैश मिल गया, तो असेट जनरेट कैसे हुई, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शंस। तो असेट में फ्यूचर भी है, असेट में प्रेजेंट भी है, और असेट में क्या है, पास्ट भी है, ये चीज गौर कर रहे हो। तो असेट से फ्यूचर में बेनिफिट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। असेट जनरेट कैसे होती है, ड्यू टू पास्ट ट्रांजेक्शंस, और आज असेट को मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन असेट। सिमिलर डेफिनेशन इज ऑफ लायबिलिटी आल्सो, लायबिलिटी आर प्रोबेबल फ्यूचर सेक्रीफाइसेस, ऊपर क्या लिखा था, बेनिफिट्स, बट लायबिलिटी क्या है, सेक्रीफाइसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यू टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। फ्यूचर
एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजेक्शन। अगेन तीनों चीज आ गई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आज क्या है ऑब्लिगेशन, फ्यूचर में क्या होगा सेक्रीफाइसेस होंगे भाई, असेट सेक्रीफाइस क्या है लाइबिलिटी, अगर पे करोगे तो फिर पैसा जाएगा नहीं जाएगा, और अराइज कैसे हुई है लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन, कोई ना कोई पास्ट में ट्रांजेक्शन हुआ है उसी वजह से तो अराइज हुई है लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज वॉट इज करंट असेट वॉट इज नॉन करंट असेट, ठीक है। अब आपको दिमाग पर लोड नहीं लेना, आप ये मत सोचना कि भाई एसेट की डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आ रही तो आज ही समझ में आनी चाहिए, नहीं स्टार्टिंग है अभी तो, ठीक है, चीजें आपके लिए बिल्कुल नई है न्यू है। अपन स्कूलों में एसेट सिंपल बोल देते थे भाई एसेट है, लेकिन अब अपन को एसेट डेफिनेशन वाइज भी पता होनी चाहिए। तो एसेट डेफिनेशन वाइज क्या होती है, एसेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सिंपल आप ये बात ध्यान रखो, कुछ और नहीं याद रखोगे तो आप ये याद रख लो एसेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, लाइबिलिटी आर ऑब्लिगेशंस, इतना सा तो याद रख सकते हो ना, ठीक है। धीरे धीरे आप एक दो बार चीजें पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आने लग जाएगी, ठीक है ना। मैंने आपको कहा चीजें क्या है थोड़ी सी बिल्कुल नई है आपके लिए न्यू है तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, बट घबराना नहीं है, क्लियर। अब जैसे अपन आप बताओ व्हाट इज करंट असेट, करंट असेट क्या होती है सर, करंट असेट वो होती है जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं कहूंगा अगर आप ये डेफिनेशन दोगे तो आप पार्शली करेक्ट हो पार्शली इनकरेक्ट हो, क्यों सर पार्शली करेक्ट कैसे हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं ना, आंसर देना। एक बिल्डर है बिल्डिंग बना के बेचता है, ठीक है, बिल्डिंग बना के सेल करता है, उसको बिल्डिंग बनाने में 2 साल लगते हैं बिल्डिंग बनाने में 2 साल लग सकते हैं आराम से, बताओ बिल्डिंग करंट असेट है या नहीं है? आप बोलोगे सर बिल्डिंग तो करंट असेट नहीं है, मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलोगे 2 साल लग गए बिल्डिंग बनाने में, तो मैं कहूंगा अरे भाई बिल्डिंग क्या है कि स्टॉक है उसके लिए, बिल्डिंग वो खरीद के बेच देता है या बना के बेच देता है, बेचता है बनाने के लिए है ना, वो सॉरी बनाता है बेचने के लिए, तो बिल्डिंग क्या है उसके लिए स्टॉक, और जब कोई बिल्डिंग स्टॉक है तो स्टॉक क्या होता है करंट असेट होता है। तो अगर आपकी डेफिनेशन से देखा जाए कि भाई बिल्डिंग एक साल से ज़्यादा टाइम लग रही है तो फिर बनने में तो वो करंट असेट नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। लेकिन रियल में आंसर क्या है, बिल्डिंग इज करंट असेट, हेयर बिल्डिंग इज करंट असेट, क्यों, क्योंकि वो बिल्डिंग क्या है स्टॉक है। तो सर इसकी पूरी करंट असेट की डेफिनेशन समझाओ और ये कन्फ्यूजन दूर करो। अब ध्यान सुनना, देखो करंट असेट की डेफिनेशन क्या है, करंट असेट की डेफिनेशन ये है या तो वो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या फिर वो कंज्यूम हो जाए, जैसे रॉ मटेरियल होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा है ना, आप प्रोडक्शन कर लोगे उससे तो वो भी क्या है करंट असेट है, रॉ मटेरियल स्टॉक ही तो होता है, या फिर वो वन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाए कैश में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जरूरी नहीं कि केवल वो 12 महीने के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो, अगर वो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर 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 कैश में कन्वर्ट हो रही है तो भी वो क्या है करंट असेट। सर व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल, सुनो देखो बिजनेस के अंदर पहले क्या होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से क्या बनता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बनता है फिनिश गुड्स को बेचते हैं तो क्या जनरेट होते हैं डेटर्स, और डेटर से क्या आता है कैश, ऐसे होता है, और कैश से आप क्या खरीदते हो रॉ मटेरियल। इन सब प्रोसेस में टाइम लगता है नहीं लगता, रॉ मटेरियल से WIP बनने में हो सकता है 15-20 दिन लग रहे हो, 2 महीने लग रहे हो, 4 महीने लग रहे हो, कुछ भी लग रहा हो, WIP से फिनिश गुड्स बनने में 3 महीने 4 महीने कुछ भी लग रहा हो, ठीक है, फिनिश गुड्स को बिकने में टाइम लग रहा हो, ठीक है, सपोज करो बिकने में 1 महीना लग जाता है फिनिश गुड्स को, फिर बिकने के बाद पैसे थोड़ा सा 6 महीने देते हैं डेटर्स पैसे देने में, टाइम लगाते हैं आराम आराम से देते हैं, ठीक है, मांगते रहते हैं अपन लोग, पैसे नहीं देते वो लोग टाइम पे, तो ये सारा जो पीरियड है इन सब में टाइम लगते आ रहा है, इस टोटल टाइम को अगर जोड़ लें तो उसे क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, क्या बोलते हैं बताओ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। हो सकता है किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है 12 महीने से कम है, हो सकता है किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने से ज्यादा है। अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने से ज्यादा है और उस दौरान करंट असेट कैश में कन्वर्ट हो रही है,
कोई भी एसेट कैश में कन्वर्ट हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, करंट एसेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लिकर होती है, लिकर होती है, उसको बनने में टाइम लगता है, ठीक है, एक साल से ज्यादा टाइम लगता, नहीं लगता, वन ईयर से लग सकता है। वाइन वगैरह आपने सुना है जितनी पुरानी होती है उतना बढ़िया होता है, ठीक है, तो एक साल से ज्यादा टाइम लग सकता है लिकर बनने में, बताओ ये करंट एसेट है या नहीं है? बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि वो बिजनेस ही ऐसा है जिसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, एक साल से ज्यादा है। भाई रॉ मटेरियल खरीदा, WIP है, चलो ठीक है, WIP से फिनिश गुड्स बनने में 2-3 साल लग रहे हैं उसको, तो आप क्या बोलोगे, लिकर क्या फिक्स एसेट है क्या? नहीं, फिक्स एसेट तो वो होते हैं यूज करने के लिए लेते हैं अपन बिजनेस के अंदर, ये यूज थोड़ा करेगा, खुद थोड़ा पिएगा, ये तो बेचेगा, तो बेचेगा तो फिर क्या है बताओ, करंट एसेट। समझ में? तो करंट एसेट की डेफिनेशन क्लियर रखनी है आपको माइंड में। हमेशा ये नहीं बोलना होता कि करंट एसेट वो एसेट होती है कि आप नॉर्मली ये बोलते हो ना जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, नहीं, वो तो है ही, उसके अलावा क्या है जो विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट हो रही है, वो भी करंट एसेट है। क्लियर क्या? तो इस आप ऐसे याद रख सकते हो, बिल्डर का एग्जाम्पल याद रख सकते हो, बिल्डर का टाइम जो होता है वो लॉन्ग होता है, एक साल से बिल्डिंग बनने के अंदर, लेकिन फिर भी जो उसकी बिल्डिंग है वो क्या है, करंट एसेट है, क्योंकि उसने उसको बेचने के लिए ही बनाया है और वो उसका स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड, बेचेगा ना उसको। और इसी तरीके से आप लिकर का एग्जांपल याद रख सकते हो, इवन आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, एरोप्लेन्स ले सकते हो। बताओ एरोप्लेन को बनने में कितना टाइम लगता होगा, 2-3 साल लगते होंगे, आप डिस्कवरी चैनल घर पर देखते हो, शिप्स बनते हैं बड़े बड़े, वेसल बनते हैं, इन सब में यार टाइम लगता है बहुत, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट ही है। नॉन करंट एसेट क्या है, जो करंट एसेट नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आंसर बताना क्या होगा। ये है क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म डेब्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करंट सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताती है, पोजीशन। बैलेंस शीट क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन, एक दिन की, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ध्यान है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल रहा है करंट सेक्शन के अंदर कब इंक्लूड होते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको पता है नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी में कब इंक्लूड होंगे देखते हैं जरा। If it is converted into common stock before maturity, common stock क्या होता है, shares, equity shares. अगर ये long term debt equity share में convert हो जाए maturity से पहले, तो क्या उसको current liability में दिखाना चालू कर दोगे आप? Answer आपको बताना है, मैं नहीं बता रहा है ना। If it is mature within the year and it will be retired through the use of current asset, अगर वो mature हो long term liability एक साल के अंदर, ठीक है, और उसको अपन payment, retire मतलब payment करेंगे थ्रू द यूज ऑफ करंट एसेट। मैनेजमेंट प्लान टू रीफाइनेंस इट विद इन द ईयर। मैनेजमेंट क्या प्लान कर रहा है कि एक और नया लोन ले लेगा, ठीक है, रीफाइनेंस कर लेगा उसको। अ बॉन्ड रिटायरमेंट फंड हैज बीन सेट अप फॉर यूज इन द शेड्यूल्ड रिटायरमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। चार ऑप्शन बता रखे हैं, आंसर बताना है आपको, सोचो क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। आंसर इज बी, इफ इट इज मैच्योर्ड विद इन द ईयर। अब सोचो आप एक लॉन्ग टर्म डेब्ट ले रखा है आपने, 10 साल के लिए डेब्ट ले रखा है। अरे तो भाई 10 साल के लिए आपने डेब्ट ले रखा है तो क्या 10 साल के बाद ही चुकाओगे क्या? नहीं, हर साल कुछ ना कुछ चुकाओगे ना। तो आप पहले साल कुछ चुकाओगे, दूसरे साल कुछ चुकाओगे, तीसरे साल चुकाओगे। अब पहले साल जो आप चुकाओगे, जैसे आज आप हो, विद इन 12 मंथ्स जो चुकाओगे वो बताओ कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी? सर करंट लाइबिलिटी है, बिल्कुल करंट लाइबिलिटी है, समझ रहे हो क्या बात? आपने 10 साल के लिए कोई लोन लिया, ठीक है, तो आप ये थोड़ा करते हो कि भाई 10 साल के बाद चुकाओगे पूरा का पूरा लोन एक साथ, नहीं, इंस्टॉलमेंट चुकाओगे ना, EMI चुकाओगे हर साल। तो जो पहले साल में 12 महीने के अंदर EMI चुकाओगे वो सब क्या है बताओ? वो सब करंट लाइबिलिटी तो है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर चुकानी है उसको। क्लियर क्या? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऐसे आपको धीरे धीरे कमांड होगी। तो आज अपन इतना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।